क्या मयंक यादव के खिलाफ कोई साजिश चल रही है? क्या इस साल होने वाले वर्ल्ड कप टीम में मयंक यादव हिस्सा नहीं लेंगे या फिर उन्हें टीम से जबरन बाहर रखा जा रहा है? आखिर सच्चाई क्या है? क्या मयंक यादव अब तक स्वस्थ नहीं हुए हैं? आईपीएल के पिच पर भी अब तक वो नहीं लौटे हैं और ऐसे में उनके और उनके फैंस के लिए बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही मायूस कर देने वाली खबर सामने आई है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के युवा अनकैप्ड खिलाड़ी मयंक यादव ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में ध्यान खींचा। अपने पहले ही आईपीएल सीजन में उन्होंने धांसू बॉलिंग करके भारतीय टीम में एंट्री करने का दावा पेश किया, लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो वाकई में दर्शकों के लिए और उनके फैंस फॉलोअर के लिए ये मायूस कर देने वाली खबर है। आलम यह है कि उनकी शानदार गेंदबाजी को देखते हुए उनको वर्ल्ड कप टीम में शामिल करने की मांग भी उठने लगी है, लेकिन अब इस पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि उन्हें टीम में न शामिल करने की जो मांग है वो की जा रही है। आखिर कौन जलता है तेज तरार गेंदबाज मयंक यादव से? मैं आपको बता दूं कि उनको लेकर अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी टॉम मूडी का बड़ा बयान सामने आया है। उनके इस बयान के बाद अब हर तरफ चर्चा चल रही है क्या वाकई में वर्ल्ड कप में मयंक यादव हिस्सा लेंगे या फिर उन्हें जबरन बाहर ही रखा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए मूडी ने कहा कि मैंने जब शुरुआती मैचों में मयंक यादव को खेलते हुए देखा था तो काफी अच्छा लगा था, लेकिन उसको वर्ल्ड कप में खिलाने को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दो मैच के बाद ही उसको वर्ल्ड कप के लिए टीम में नहीं चुना जा सकता है। मेरे हिसाब से उसको वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार किया जाना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है मयंक यादव को लेकर? क्या वाकई में उन्हें वर्ल्ड कप के लिए नहीं खिलाना चाहिए या फिर ये डिसीजन गलत होगा? और क्या टॉम मूडी ने बहुत ही गलत बात कह दी? आप क्या कहेंगे टॉम मूडी को लेकर और क्या राय रखते हैं मयंक यादव को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और मूडी को जवाब देना ना भूलिए। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें।